ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे ने एक सिपाही को धमकाया। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गुंडाई जो है कर रही है। डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं। सपा लोगों को धमका रही है, बूथ लूटने की तैयारी है। एसपी प्रत्याशी के बेटे की गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, ये कहना है डिप्टी सीएम का। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं और एसपी प्रत्याशी के बेटे की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। सपा लोगों को धमका रही है और बूथ लूटने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री सुधाकर सिंह जी, उनके सुपुत्र जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने कुर्थी जाफरपुर एक पुलिस चौकी है, उसके एक आरक्षी को फोन करके धमकाया, कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप काम नहीं कर रहे हो, आप यादव समाज से हो और तुम्हारा जो चौकी इंचार्ज जो दलित समाज से है, कहा कि चौकी इंचार्ज जो सरोज है उनको आकर के हम जूते से पीटेंगे और धमकाने का काम किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अराजकता पर, गुंडई पर उतर आई है। अपनी हार से बौखला करके समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के वायलेंस को कर सकती है चुनाव में। हम आज निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संज्ञान ले